हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ। जो भी नहाने के पहले कि मेरे काम में झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह वो सब मैंने कर लिया है, और नहा के मैं आ चुकी हूँ यहाँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में बना रही थी चूड़ा मटर, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पोहा उतना नहीं बनाती, मुझे चूड़ा मटर ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं चूड़ा मटर ही बनाती हूँ। और साथ में यहाँ बन रही है चाय, सॉरी चाय नहीं, काढ़ा बन रहा है। आप काढ़ा भी कह सकते हैं और लेमन टी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें काढ़े की भी कुछ चीज़ें पड़ी रहती हैं, जो मतलब काली मिर्च लौंग जो पड़ता है और नींबू पड़ा रहता है, इसलिए आप कुछ भी उसे कह सकते हैं ना। और बस फिर यहाँ पे मैं काढ़ा छान लूँगी। और काढ़ा मैं सिर्फ मैं ही नहीं पीती हूँ, मैं मतलब बच्चों को भी देती हूँ, क्योंकि सुबह में एक कप काढ़ा जरूर रहता है सर्दियों में तो ख़ास तौर से। और इस बार तो गर्मी, पूरी गर्मी भी काढ़ा चला है कोरोना की वजह से। तो बस यहाँ हो रहा है माँ नाश्ता, और आज मैंने हेयर वॉश किया था, इसलिए बस बाल खुले हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी सूखे नहीं हैं। और बाल धोने के बाद तो और भी ठंड लगने लग रही है। और नाश्ता करने के बाद मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। और आज मैंने खाने में सोचा है आलू दम बनाने के लिए। तो चलिए आपके साथ भी मैं, मतलब रेसिपी तो आप लोग को आती होगी, पर मैंने सोचा चलो आपके साथ ही बनाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे आलूओं को बॉयल करके छील लिया है, और उसके बाद मैं उसे फ्राई कर रही हूँ। और तेल मैंने थोड़ा सा ही डाला है, आप देख सकते हैं, बस उसी में उसे थोड़ा हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी, गोल्डन मतलब हल्का सा गोल्डन कर लूँगी, उसके बाद उसको निकाल लूँगी मैं। और अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गैस पर रख दी है गर्म होने के लिए, और उसके बाद उसे मैंने तेल भी डाल दिया है। और तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें हींग जीरा डाल दिया था, और उसके बाद मैंने उसमें अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। अब इसे मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी हल्का सा गोल्डन होने तक। तो प्याज यहाँ पर अच्छे से भून चुकी है, और प्याज को भूनने के बाद मैं उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा ही बस ज़रा सा ही मैंने यहाँ पर लाल वाली मिर्च डाल दी है। और बस इसको मिलाने के बाद मैं यहाँ पर टमाटर का पेस्ट इसमें डाल दूँगी, और फिर उसको भी थोड़ी देर में मतलब 2-3 मिनट में अच्छे से भून लूँगी। तो टमाटरों को भूनने के बाद मैंने उसे मसाले ऐड कर दिए थे, और मसाले मैंने आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला डाला था, और नमक डाल दिया था, और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च तो मैंने पहले ही इसमें डाल चुकी थी मैं। तो बस इन सभी को मिलाने के बाद मैंने उसमें फिर थोड़ी सी मटर और थोड़ी सी मलाई इसमें ऐड कर दी थी मैंने आज मलाई डाल के बनाया था आलू दम की सब्ज़ी। तो मलाई डालने के बाद मैंने मसालों को 1 मिनट के लिए और अच्छे से भून लिया था, उसके बाद मैंने उसमें आलू डाला था। और आलू तो पके हुए थे, मतलब बॉयल थे, इसलिए बस आलू को मिलाने के बाद मैंने उसमें पानी डाल दिया था, और पानी डाल के सिर्फ मैंने 5 मिनट से पकाया था और सब्ज़ी तैयार हो गई थी। तो जब तक यहाँ पर सब्ज़ी बनके तैयार होती है, तब तक मैं यहाँ पर आटा लगा लेती हूँ। और आटा मैंने सिंपल नहीं लगाया था, उसमें मैंने गोभी और कद्दूकस करके ऐड कर दिया था, और मतलब कुछ और मैंने नहीं डाला था मैंने उसमें, सिर्फ आटे में सिर्फ सिंपल सा गोभी को मैंने उसमें मिलाकर आटा लगा दिया था। क्या था, गोभी थोड़ी सी सूख रही थी और सब्ज़ी बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था उसका, तो इसलिए मैंने उसे आटे में लगा के गूंथ दिया, और फिर उसे मैं रोटियाँ अच्छी बनी थी, ऐसा नहीं कि रोटियाँ ख़राब बनी थी। और मैं ऐसा करती रहती हूँ, कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत जो मतलब आटे में मिला सकती हूँ मैं उसे मिला के मतलब लगा लेती हूँ आटा। फिर क्या होता है कि बच्चे खा भी लेते हैं उस तरह से गोभी, वैसे आप आलू से आलू चाहे गोभी की सब्ज़ी बनाओ तो गोभी वो निकाल देते हैं, और उस तरह से आराम से वो आटे में मैंने लगा दिया था, तो वो अच्छे से खा लिया था उन लोगों ने, और फिर मुझे गोभी फेंकनी भी नहीं पड़ी थी। और ये देखिए सब्ज़ी भी बन के हमारी तैयार हो गई है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सब्ज़ी हमारी कैसी बनी है। सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, और आटा भी मैंने लगा लिया है। बस ये थोड़े से बर्तन पड़े हैं सिंक में, इन्हें भी साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर चलते हैं रूम में, क्योंकि रूम में अभी पूरा फैला हुआ है। सुबह से अभी मैं इधर के मतलब साफ़ सफाई और किचन के सारे काम कर रही थी, अभी रूम मैंने सही नहीं किया है, और मुझे अभी चादर भी उठानी है आज, मतलब चेंज करनी है चादर भी। तो धुलने में तो आज नहीं डालूंगी, क्योंकि कल सारे कपड़े मैंने धुल दिए थे, सिर्फ चादर ही बच गई है, तो कल देखूँ तो धुलूँगी, पर चल के अभी पहले रूम सही कर लेते हैं। और 2-4 कपड़े जो बच गए थे उसे मैंने सुबह नहाते वक्त ही हाथ से धुल लिया था, तो इसलिए अभी मशीन में डालने के लिए कोई कपड़े नहीं हैं। तो बस यहाँ मैंने चादर में लगा रही हूँ। चादर मैंने उतार दी थी जो पहले बिछी हुई थी, यहाँ पर दूसरी चादर लगा के, और थोड़ा उसके ऊपर मुझे आज ब्लैंकेट एक बिछाना था, क्योंकि अब सर्दी बढ़ गई है तो ठंड लग रही है। तो मेरे पास बेडशीट तो नहीं है, वो जो ब्लैंकेट्स वाली आती है, मैं बस पहले की एक मतलब पुरानी ब्लैंकेट्स पड़ी हुई थी, जो कि मतलब अभी यूज मतलब ओढ़ने में नहीं यूज होता है, बस उसी को मैं बिछा दूँगी, तो ठीक है, वो पूरा हो भी जाएगा अच्छे से और गर्माहट भी देता है, तो उसी का यूज कर लेती हूँ अभी। नेक्स्ट टाइम मैं देखूँगी तो फिर मैं एक बेडशीट जो गर्म वाली आती है वो मैं ले लूँगी, फिर जो बिछाने के लिए जो आती है इस पर।
के बाद मैं आ गई थी छत पे, जो दो चार कपड़े मैंने सुबह में धुले थे उसे फैलाने के लिए। और बस इन्हें फैलाने के बाद मैं जाऊँगी फिर नीचे, तो जाके फिर रोटी बनाऊँगी मैं, क्योंकि अभी मैंने रोटी नहीं बनाई थी, बस सब्जी बना के रख दी थी। तो अब चल के रोटी बनाऊँगी, उसके बाद फिर बच्चों को दूँगी खाना, क्योंकि फिर उसके बाद क्लास शुरू हो जाएंगी। और दूध भी आ चुका था, तो बस मैंने उसे बॉयल होने के लिए रख दिया है। और दूसरी तरफ मैं रोटियाँ फटाफट सेक लूँगी, क्योंकि अभी को भूख लग गई है, वो हल्ला मचा रहा है। और यहाँ बच्चों को किसी को पता भी नहीं चला था कि हाँ मैंने आटे में गोभी मिलाई हुई है, बड़े अच्छे से उन्होंने खा लिया था, क्योंकि वॉइस ओवर तो बाद में हो रहा है। और मतलब अच्छा है, ठंड में इतनी ढेर सारी सब्जियाँ आती हैं जो आप मतलब पालक हो गया, बथुआ हो गया, जो आप इसमें आटे में लगा सकते हो। और रोटियाँ हैं तो बच्चे आराम से खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे गोभी उन्हें पता नहीं चला तो पालक बथुआ तो पता चल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बच्चे खा लेते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं मेरे बच्चों की तरह जो सब्जियाँ नहीं उतनी पसंद करते हैं, तो अच्छा तरीका है ऐसे में ठंड में कि आप उसमें आटे में कुछ भी लगा कर आप पालक बथुआ या और भी जैसे गोभी वोभी हो गया आप लगा के उन्हें खिला दो, उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है और वो खा भी लेंगे आराम से। आलू भी अच्छा है, आलू भी अच्छा लग रहा है, ग्रेवी 100% पुडिंग सही है। अच्छा, और पोटैटो 90% सही। और रोटी रोटी पहले मटर तो देखो, मटर अभी देख रहा फ्री पी मन पसंद सही है, मन पसंद सही है 1% ओ ठीक है, मतलब मटर 1% सही है, मतलब मटर आपको अच्छी नहीं लगती है तो 1% सही है। और रोटी रोटी हाँ रोटी है 99% रोटी पता किस चीज की है, किस चीज की, गोभी की जो सुबह कद्दू का सो रहा था गोभी, उसी की रोटी है। आप गोभी नहीं खाते हो ना, कहाँ गया? आया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज सुबह से जो वीडियो में जो भी मैंने क्लिप निकाली उसके बाद मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। और मैंने सोचा था कि चलो आज मैं तैयार होकर आप लोगों से मिलूंगी, क्योंकि रोज़ का क्या था, मैं ऐसे वीडियो में आ जा रही थी, मुझे खुद को भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं ऐसे चली आ रही थी, पर क्या था कि मेरी आदत है मैं घर में कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ नहाने के बाद हल्का सा सनस्क्रीन लगा लिया या फिर कोल्ड क्रीम, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं भूल जाती थी फिर कि हाँ वीडियो बनाना तो थोड़ा सा भाई अब तैयार हो जाओ, पर मैं ऐसे चली आती। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, आज सारा काम करने के बाद मैं तैयार होकर तब आप लोगों से मिलूंगी और वीडियो का एंड भी करूंगी। तो बस आज का यही छोटा सा ब्लॉग था आप लोगों का। और सब्जी आज की बहुत ही अच्छी बनी थी, मतलब टेस्ट उसका बहुत ही अच्छा आया था, थोड़ा सा मलाई ऐड कर देने से टेस्ट उसका काफ़ी अच्छा हो गया था। तो बस आज का यही ब्लॉग है, उम्मीद करते हैं कि आप सबको पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा और मैं मतलब शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती है फिर किसी और ब्लॉग में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।